चैनल द शाह स्टोरीज और मैं हूं शशांक। आज हम बात करने जाने वाले फुटबॉल की। जी हां, फुटबॉल की। इंडिया में हमेशा हम क्रिकेट की बातें करते हैं, पर आज हम बात करेंगे फुटबॉल की। फुटबॉल का नाम जहन में आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है प्रीमियर लीग, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल टीम की। इंडियन फुटबॉल टीम ने दो दिन पहले अपना मुकाबला कतार के अगेंस्ट दोहा में खेला था। ये मुकाबला नल ड्रॉ रहा। ये मुकाबला बहुत तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, इसके कई रीजन है। सबसे पहला रीजन, इस मैच में इंडियन कैप्टन सुनील छेत्री, जो कि रोनाल्डो और मेसी के बाद प्रोबेबली सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर है, वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे। इस मैच में इंडियन की कैप्टनशिप की थी गुरप्रीत सिंह संधू ने, जो कि इंडिया के गोलकीपर है। पूरे 90 मिनट तक गुरप्रीत सिंह संधू ने एक भी गोल नहीं जाने दिया। इस मैच में करीब 12 मौके ऐसे आए जब कतार ने पोस्ट पे गोल करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन कैप्टन गुरप्रीत सिंह संधू डटे रहे, उन्होंने एक भी गोल नहीं होने दिया। ये मुकाबला बेहद मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि कतार एक एशियन चैंपियन टीम है। कतार ने साउथ कोरिया, जापान जैसी टीमों को हराकर एशियन चैंपियनशिप जीती थी, तो इंडिया ने यह मुकाबला नल ड्रॉ किया, इसके कई मायने माने जा सकते हैं। ये इंडिया को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए कितनी मदद कर पाए ये कह नहीं सकते, लेकिन इसका फायदा इंडियन टीम को एशियन चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के लिए जरूर होगा। इंडियन टीम अब तक सिर्फ 4 बार ही एशियन चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर चुकी है। लास्ट टाइम इंडियन टीम 2019 में, मतलब इसी साल, एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गई थी। तो हम देखते हैं कि इंडियन टीम कैसे आगे परफॉर्म करती है। अगला मुकाबला कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ है। उम्मीद करते हैं ये मुकाबला जीतकर इंडियन टीम एशियन चैंपियनशिप क्वालिफायर के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला क्लास से बेहतर हो, आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।